उमर। एक और अहम खबर आपको देंगे कि पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का चीन का सरकारी दौरा, नेवल चीफ की चीन की बहरिया के सरबरा से मुलाकात हुई। मजीद हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान से। लईक, इस दौरे की तफसीलात और मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी, पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की अपने दौरे चीन के दौरान चीनी मंसब से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दो तरफा बहरी तआवुन और खत्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने खास तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान का अज़्म और किरदार है उस पर रोशनी डाली और उन्होंने मैरीटाइम दहशतगर्दी, बहरी कज़ाकी की रोकथाम के जो मुख्तलिफ इकदाम हैं और कसीरुल कौमी टास्क फोर्स में जो पाक बहरिया की शिरकत है उसके बारे में भी आगाह किया। इस मौके पर चीन की बहरिया के सरबराह ने खत्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सिलसिले में पाक बहरिया की खिदमात को सराहा और साथ ही दोनों मुल्कों के दरमियान जो जारी तआवुन है उसमें मजीद बेहतरी और वसअत लाने पर भी इत्तफाक किया। बहुत शुक्रिया आपका लईकुर रहमान।